नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी यूट्यूब श्रोताओं का अपने यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पर यहां हमारी लगी पड़ी हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा 200 मीटर के बाद आपको विजिबिलिटी जीरो दिख रही होगी। तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो व्यू है पीछे का, वो कोई कोहरा नहीं है, ना ही कोई बादल है। एक्चुअली हमारे गाँव के जो पहाड़ हैं वहाँ पर बहुत भीषण आग लगी हुई है, जिसकी वजह से ये धुआँ जो है चारों तरफ फैल गया है। आपको बताना चाहूँगा, इस धुएं की वजह से नॉर्मली हर साल इस तरह ही प्रॉब्लम होती है, बट इस बार का ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। क्योंकि आप देख सकते हैं, लगभग हर एरिया में लगभग 100 से 200 मीटर के बाद विजिबिलिटी जीरो है और आँखों से आंसू निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो जंगलों में आग लगाने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया जो है वो विजिबिलिटी ज़ीरो और साथ ही सांस लेने में प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं जो पेड़ है, उसके पास हमारा गाँव है। मात्र 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ, फिर भी हमारा गाँव जो है दिखाई नहीं दे रहा है। ये धुएं का जो अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ खाली धुआं फैला हुआ है, इसकी वजह से टोटल दिखाई नहीं दे रहा है। और आप देखिए, ये हमारे गांव का पहाड़ है मासेस वाली, और धुएं के गुब्बारे की वजह से पूरा इनविजिबल हो गया ये पहाड़ पूरा। और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, सूरज को आप देख सकते हैं, उसकी रोशनी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। आप देख सकते हैं, नॉर्मली इस टाइम अगर यहाँ पे धूप की रोशनी इतनी तेज होती है कि यहाँ पे खड़े होना मुश्किल होता है, पर ये धुएं का जो अंबार लग गया है यहाँ पे, इसकी वजह से ये पूरे एरिया में जो है विजिबिलिटी जीरो लगभग हो गई है। 200 मीटर के बाद तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ है, पर इस धुएं के गुब्बारे की वजह से तो ये पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे ही आप देखिए, एक गांव है यहाँ पे, ये भी इस गुब्बारे में पूरा ढक चुका है। और ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे हर साल होती है, पर इस बार ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं, यह है मालिकापड़ी पंचायत का जो गांव है, और उसके पीछे जो पहाड़ था ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आप, काफ़ी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा, हालांकि पहाड़ ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मात्र लगभग 500 से 1 किलोमीटर के अंदर में होगा, पर टोटल विजिबिलिटी ज़ीरो। देखिए जूम करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक सिचुएशन है यहाँ पे, और ये हर साल का ही सिचुएशन कंटिन्यू रहता है। देखिए ये धुएं के गुब्बारे की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे मालिकापड़ी पंचायत। और जहाँ तक मेरे को खबर मिली है, ये जो जंगल में जो आग लगी है वो चारों तरफ फैल गया है, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम शायद अब बड़ी हो चुकी है। और देख सकते हैं आप, ये पहाड़ आपको थोड़ा थोड़ा जो है दिखाई दे रहा होगा, पर इतना क्लियर नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर साल रहता है और इसके बारे में कोई भी कदम शायद हमारे गवर्नमेंट नहीं उठा पाती है। और इसके कई रीज़न हो सकते हैं क्यों आग क्यों लगाते हैं। नेचुरल मैं नहीं कह सकता यहाँ पे कि नेचुरल आग लगी है, नहीं, या लगाए गए हैं, तक मुझे इतना नॉलेज है कि यहाँ पे जो आग जो मोस्टली लगाई जाती है वो कोयले के लिए किया जाता है, कोयलों को जो मार्केट में बेचने के लिए। वहाँ के जो आसपास जो लोग रहते हैं वो आग लगा देते हैं जंगल में, और जंगल जब आग लगने के बाद जो बुझ जाता है, उसके बाद जो कोयला है उस कोयले को बेच कर वो अपना घर चलाते हैं। तो कंधमाल भी इतना डेवलप नहीं है जिसकी वजह से ये हरकत हर साल होती है। आई होप कि गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट यहाँ कर पाए, जिसकी वजह से जो इस तरह के जो आग लगाने की घटनाएं ना हो। नेचुरल कंडीशन से अगर आग लगे तो बात अलग है, बट जानबूझ के जो है यहाँ पे आग लगा देते हैं। और मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, दो तरह की जो कंडीशन है जिसमें आग लगाई जाती है, एक तो होती है कोयले के लिए और दूसरा जंगल साफ करने के लिए, क्योंकि हर पंचायत एरिया में एक जंगल है
वो उन पंचायत के एरिया के अंडर में आता है, तो अपने जंगल को साफ करने के लिए हम मोस्टली आग लगा देते हैं। इसका नुकसान क्या है वो अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी जानबूझ के जो है आग लगा दिया जाता है। तो रिक्वेस्ट है, अगर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर हमारी सरकार तक ये इन्फॉर्मेशन अगर जाए तो इस तरह की जो हरकत है उस पर रोक लगाने की कोई कानून बनाए। हालांकि कानून काफ़ी हैं पर पालन बहुत कम होता है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास ये पहुंच पाए और वो कोई एक्शन ले पाए। फिलहाल तो कारण माफ़ कीजिए, फिलहाल तो एट प्रेजेंट सबसे मेन सिचुएशन कि यहाँ की जो आग है उसे बुझाई जाए। अगर ये आग बढ़ती चलेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है अभी, तो कंधमाल चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। अगर ये जंगलों की आग बढ़ गई तो आपको पता होगा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट क्या करता है।